सभी की ताई हरिणी जी, वो उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। सभी, फिर से सभी? मुझे तो पता ही था ये लड़की तुझे बार बार परेशान करेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि वो लड़की की प्रॉब्लम क्या है। तेरे अलावा कोई मिलता नहीं है उसे परेशान करने के लिए क्या? अरे सुरेखा, एक मिनट, पहले बोलने तो दे उसे कि बात क्या है, बोल तू। सभी ने कुछ नहीं किया का साहब, वो दरअसल वो सभी की ताई हरिणी जी, उनकी हालत बहुत खराब, वो सीरियस थी बहुत। हाँ तो डॉक्टर ने कहा कि वो बच नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। डॉक्टर ये जिंदा है, जल्दी आइए। लेकिन अचानक से उन्हें सांस आ गई और वो मर के जिंदा हो गए। हम सब हैरान हो गए थे, लेकिन फिलहाल वो होश में नहीं है। समझ लो मारा, समझ गया मैं। हम जो कर सकते हैं सब करेंगे। तेरे कितने पैसे चाहिए बता मेरे को। दिल्ली से डॉक्टर बुलाओ, लंदन से बुलाओ, तू बोल वैसे ही होगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन बड़ा, सभी सवान तेरी सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसके साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है। हर लड़का शादी से पहले इतना ही टेंशन में रहता है, मैं भी था ऐसा ही। तू सोच, 30 साल से मैं तेरे अक्का साहब के दहशत में जी रहा हूँ, 30 साल से झेल रहा हूँ। रीवा तेरी भी बहुत अच्छी है, अच्छी तरह संभाल लेगी तेरे को। मान जी, 30 साल से आप मुझे झेल रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा था मैं। अच्छा काइफ में तू ईशान काम कर, जल्दी से रेडी हो जा, नीचे आ जा, लो कर्फ्यू में। ये तो नहीं तो पिटाई हो जाएगी मेरी। इधर ईशान बड़ा देख, मैंने तेरा सूट निकाल कर रख दिया है, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। तब तक मैं अपने हाथों से तेरे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। हाँ गॉड, क्या करूं? मैंने कैसे बताऊं कि मेरी और संजय की शादी हो चुकी है? कितने एक्साइटेड है ये लोग। रीवा से जाके बात करता हूं। ताई देखो ना, मैंने लाइट्स लगाए और फूल भी लेकर आई हूँ, पिंक वाले, जैसे आपको पसंद है ना, जैसे हम हमारा कमरा सजाते थे बिल्कुल वैसे। और भी कुछ लेकर आई? एक मिनट। याद है आज ही लेकर आई थी हमारे लिए, और हमने इनका नाम भी रखा था गुलाबो सिताबो। याद है हम क्या कहते थे इनसे? कि गुलाबो सिताबो हमेशा साथ रहेंगे, बिल्कुल हमारी तरह।